अगले ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ेंगे। ये मामला इसलिए भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि इसमें जिसने ऊपर आरोप है वो संघ या किसी हिंदू संगठन से जुड़ रहे हैं और पिछले 9 सालों में इस मामले में हर तरह के मोड़ आए हैं। लेकिन इस मामले में जो सबसे अहम किरदार है वो है गवाह, क्योंकि दरगाह ब्लास्ट मामले में गवाह अपने बयान पर कायम नहीं रहे तो एटीएस के सामने कुछ और कहा और एनआईए के सामने कुछ और कहा और कोर्ट के सामने कुछ और कहा। अब अजमेर में आने वाले जायरीनों को अदालत पर यकीन तो है, लेकिन अहम सवाल यह है कि गवाहों ने जो बयान दिए और बदले, क्या उसका असर अदालत के फैसले पर होगा? गवाह नंबर एक विष्णु पाटीदार, शाहजहांपुर का विष्णु एनआईए का पहला गवाह था। ये सबसे पहले 21 नवंबर 2014 को अपने बयानों से पलट गया। विष्णु ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा था, मैंने आरोपी चंद्रशेखर से 3 मोबाइल लिए थे। चंद्रशेखर ने कहा था, कोई पूछे तो बताना मोबाइल पंकज पाटीदार से खरीदे। बाद में कहा एनआईए कोर्ट में बयान एटीएस के दबाव में दिया। गवाह नंबर दो स्वप्निल जोशी, स्वप्निल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा था, आरोपी संघ प्रचारक संदीप डांगे मेरे घर आते थे, उनकी आरोपियों देवेंद्र गुप्ता रामजी कंसांगरा से निकटता थी। देवेंद्र ने ब्लास्ट का सामान खरीदने के लिए उन्हें 50,000 रुपए भी दिए थे। एनआईए कोर्ट में कहा बयान एटीएस के दबाव में था। गवाह नंबर तीन आनंद राज कटारिया, आनंद ने 16 सितंबर 2010 और 28 नवंबर 2010 को धारा 164 के बयान दर्ज कराए। कहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह, सुनील जोशी, पवासुदेव परमार, मेहुल को जानता है। उसकी गाड़ी में ही ये लोग विस्फोटक पदार्थ लेकर गोधरा गए थे। बाद में कहा बयान प्रताड़ना में दिया। गवाह नंबर चार रणधीर सिंह, झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा था कि आरोपी देवेंद्र गुप्ता ने 2006 में मुझे चित्रा में बुलाया था, प्रचारक रंजन और सुनील जोशी मेरे घर आते थे, ये तीनों मेरी गाड़ी से कहीं पर गए थे, एक गांव से बाहर जाकर पिस्टल से फायर किया था। एनआईए कोर्ट में मनोज जोशी और अन्य को जानने से मना कर दिया, फायरिंग की घटना भी नकार दी। गवाह नंबर पाँच सुखदेव दुबे, सुखदेव ने कहा था देवेंद्र गुप्ता ने मुझे 2004-05 में सुनील जोशी व रामजी कंसागरा से मिलवाया था। देवेंद्र गुप्ता ने 10-12 मुलजिमों से आईडी कार्ड मांगे थे। एनआईए कोर्ट में कहा बयान एटीएस के दबाव में दिया था। गवाह नंबर छह रोहित झा, रोहित ने कहा था वो संघ कार्यकर्ता है, आरोपी देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, संदीप डांगे, रामजी कंसागरा का करीबी है। उसने 2 महिलाओं की वोटर आईडी देवेंद्र को दी थी। साथ ही कहा था कि उसने आरोपी देवेंद्र गुप्ता के पास पेंसिल सेल, लाल तार, डेटोनेटर देखा था। अब कहा कि वो किसी को नहीं जानता, बयान दबाव में दिए। वहीं अभी इस मामले में 10 लाख के इनामी 4 आरोपी फरार हैं, जिनमें संदीप उर्फ वासुदेव, रामचंद्र उर्फ रामजी, अमित उर्फ प्रिंस और सुरेश नायर हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड सुनील जोशी की हत्या हो गई थी 2012 में, जब एनआईए ने अजमेर दरगाह के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी तो असीमानंद को मुख्य आरोपी बनाया था। जयपुर कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा गया था कि असीमानंद ने ही अजमेर ब्लास्ट की साजिश रची। 2014 में कैरेवन पत्रिका में प्रकाशित एक इंटरव्यू में असीमानंद ने कहा था कि अजमेर ब्लास्ट की साजिश की जानकारी संघ को थी। हालांकि इसके बाद काफी विवाद भी हुआ, शुरू से ये पूरा मामला विवादों में रहा है और अभियोजन पक्ष के ज्यादातर गवाह मुकरते रहे हैं। अब क्या होगा ये अहम है। 25 तारीख को जो दरगाह में 2007 में ब्लास्ट हुआ था उसका फैसला आने जा रहा है, क्या मतलब? 2007 बम ब्लास्ट के संबंध में 25 फरवरी को जो फैसला आ रहा है वो इंसानियत के लिए एक सबक होगा। कोर्ट पे हमारी आस्था है और विश्वास है कि जो दहशतगर्द दोषी हैं वो अपने मुकाम को पहुँचेंगे। इससे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा, वो जाता है दुनिया में कि अजमेर जो है अमन का गवारा है, गवारा ही रहे। लेकिन दरगाह कमेटी ने सबसे बड़ी बात तो उसमें कमजोरी ये थी कि दरगाह कमेटी ने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं की थी
अंजुमन के एक मेंबर ने रिपोर्ट की थी, उसकी क्या रही, क्या कार्रवाई रही, गवर्नमेंट ने क्या किया। हालांकि एक ऐसी जगह था जिससे सिर्फ नए एक धर्म के लोगों को, एक जात के लोगों को उसकी नहीं करा, जो लोग सामने आए थे उनको भी पहले जमानतें सुना, पेपर के न्यूज के माध्यम से सुना था कि उनकी जमानतें हो गई है। हमारी तो कोई गुजारिश यही है कि जो कुछ हुआ है सामने, ब्लास्ट हुआ है, उसमें आदमी शहीद भी हुए, मारे भी गए हैं, गवर्नमेंट ने भी दिया, अंजुमन ने भी उनको दिए थे अखराज के पैसे, और पूरी कोशिश की है, और हमें उम्मीद पूरी यही है कानून से, अदालत से यही, तो जिन लोगों ने किया उनको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। धमाका 2007 में हुआ था और इस मामले में एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कुछ दक्षिणपंथी आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया था। शुरुआत में राजस्थान एटीएस ने इस मामले की छानबीन की और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तीन लोगों देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा और चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामला एनआईए के पास पहुंचा तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2013 के बीच तीन लोगों समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से हिंदू संगठनों से जुड़े थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरा मामला उनके गवाहों के बयानों पर टिका है जो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए, और सभी गवाह अब कोर्ट में मुकर गए। ये आतंकवादियों के लिए किया गया एक मुद्दा था जिसमें धार्मिक जगह को ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को उन्होंने निशाना बनाया था, और बड़े दुख की बात है कि गरीब नवाज के दरबार में तमाम धर्मों के लोग आते हैं और गहरी आस्था रखते हैं, और ख्वाजा साहब के दरबार में ऐसे घटना होना बेहद ही शर्मनाक बात है, और ऐसे लोगों आरोपियों को कठिन से कठिन सजाएं मिलनी चाहिए, और इंसानियत के जो नाम के दुश्मन हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। खादिमों ने कहा है वो सही है, बिल्कुल अच्छा है, जो इंसान हुआ ऐसी हरकतें करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मैं भी मीडिया वाला हूँ फ्रॉम बेंगलोर, आर्यन नहीं कर्नाटक का नंबर ले लीजिए आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ख्वाजा गरीबुन्नवाज 900 साल पहले यहाँ पर तशरीफ लाए और इन्होंने बहुत सारी तबलीग की है, बहुत बड़ा अंजाम दिया है, भूखे पैसे रहकर इन्होंने अंजाम दिया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती आइंदा ना हो। हाँ जी, जो ब्लास्ट हुआ था दरबार में उसका फैसला आ रहा है, हम दुआ करेंगे जो उसमें दोषी हैं और जिन्होंने किया उनको सजा मिले। क्या कोर्ट से क्या उम्मीद है? कोर्ट से न्याय होगा ये उम्मीद रखते हैं। खास बात यह है कि जिन बयानों से गवाह मुकर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने 2010 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वे बिना किसी दबाव में बयान दे रहे हैं, लेकिन नवंबर 2014 से अचानक गवाहों ने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए और एनआईए पर जबरदस्ती बयान दिलाने का आरोप लगाया जाने लगा। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है, कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। अजमेर से संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो लोगों को उम्मीद है कि 25 फरवरी को जो फैसला आएगा उससे जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 25 फरवरी को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।